लोग मेरे दुकान की रेकी कर रहे हैं, मेरे फोटो अपने चैट ग्रुप में वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बंदा कहीं भी दिखे तो इसे जान से मार देना। दुकान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये कन्हैया लाल के शिकायती पत्र में लिखा हुआ है, वही पत्र जो अपनी मौत से कुछ दिनों पहले कन्हैया लाल ने पुलिस को लिखा था। सुरक्षा देने की मांग करते हुए उन्होंने ये पत्र लिखा था। 28 जून को कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या कर दी गई। उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों मोहम्मद रियाज अख्तारी और मोहम्मद गोस को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। खबरें बताती हैं कि कन्हैया लाल ने अपनी जान को खतरा बताते हुए करीब 3 हफ्ते पहले पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने दोनों पक्ष के बीच समझौता कराकर मामले को रफा दफा कर दिया था। राजस्थान के ADG हावा सिंह घुमरिया ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए कहा, 15 जून को उन्होंने एक आवेदन दिया था कि उनकी जान को खतरा है और पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। इसे लेकर संबंधित SHO ने कथित तौर पर धमकी देने वाले व्यक्तियों को बुलाया था। इसके बाद दोनों समुदाय के 5 से 7 लोगों को बुलाया गया और समझौता कराया गया था। कन्हैया लाल ने हाथ से लिख कर दिया था कि अब किसी के भी खिलाफ कोई और कार्रवाई की जरूरत नहीं है, इसलिए पुलिस इसके आगे नहीं बढ़ पाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नाजिम अहमद नामक उदयपुर के एक निवासी की शिकायत पर धनमंडी पुलिस ने कन्हैया लाल के खिलाफ IPC की धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना और 153A यानी समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और शांति भंग करना के तहत मामला दर्ज किया था। ये FIR कन्हैया लाल द्वारा कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर की गई थी। हालांकि कन्हैया लाल ने अपने शिकायत पत्र में लिखा है कि मेरा बच्चा गेम खेल रहा था, उस वक्त गलती से व्हाट्सएप पर स्टेटस डल गया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और ना ही मुझे फोन चलाना आता है। उन्होंने आगे लिखा है, मुझे 11 तारीख को थाने से फोन आया कि नाजिम नाम के शख्स ने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद नाजिम और कुछ साथी मेरे दुकान की रेकी करने लगे और दुकान खोलने पर मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कन्हैया लाल ने यह भी लिखा था, चूंकि नाजिम और इसके साथ अन्य 4-5 लोगों ने मेरा नाम और फोटो इनके समाज ग्रुप में वायरल कर दिया है और सबको कह दिया है कि ये व्यक्ति अगर कहीं रास्ते पर दिखे और दुकान पर आए तो इसे जान से मार देना। बता दें कि 10 जून को कन्हैया को उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन अगले दिन उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया था, जिसके बाद कन्हैया ने ये शिकायती पत्र प्रशासन को लिखा था। शुक्रिया।